दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं Oppo A3X 5G मोबाइल में ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन पे आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो कैसे लगाओगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐप्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर ऐप लॉक का ऑप्शन ऊपर की तरफ दिख रहा है, इस टिक को आपको ऑन करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहां पर डालेंगे, इस तरह से यूज पे क्लिक करेंगे, दोबारा से री एंटर आपको करना है। फिर यहां पर फॉर्मर टीचर्स नेम में कुछ भी डालकर आप जो है सही के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन में आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है वो एप्लीकेशन यहां से दोस्तों आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां से अमेजॉन एप्लीकेशन में लगाऊंगा, इस टिक को ऑन किया, क्रोम ब्राउजर में लगा लेता हूं, ठीक है, दो एप्लीकेशन में लगाऊंगा। अब यहां पर थ्री डॉट आपको ऊपर की तरफ मिलेगी, इस पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहां पर अदर अनलॉक मेथड्स का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, फिंगरप्रिंट टिक को आपको ऑन करना है, ठीक है। बस सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको इस तरह से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अमेजॉन एप्लीकेशन में लगाया था, अमेजॉन एप्लीकेशन ये रही, इस पर मैंने क्लिक किया। आप यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है, अगर आपके पावर बटन में है तो पावर बटन में स्कैन कराएंगे, अगर आपके डिस्प्ले पर दिया गया है तो डिस्प्ले पर स्कैन कराएंगे, तुरंत ऐप ओपन हो जाएगी।